शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर चंबा में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस बारे जानकारी देते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सीएल ठाकुर ने बताया कि इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने की बात को लेकर जिला भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में सभी कार्यकर्ताओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलने और उनके आदर्शों पर कार्य करने को लेकर निर्देश दिए गए। नमस्कार, जैसे आप सभी को विदित है, आज पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के स्थान पर अपना संपूर्ण जीवन गांव, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित के उत्थान के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। देने वाले ऐसे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कोटि कोटि नमन। जैसे आप सभी को ज्ञात है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, हमारी योजनाएं और योजनाओं का केंद्र बिंदु अर्थव्यवस्था की रचना नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए, जिसमें वो व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति पर है उसे लाभ मिले। इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों पर आज पूरे देश में किसान, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का लाभ पूरे भारतवर्ष के सभी गरीब किसानों और दलित वंचित सभी लोगों को उसका लाभ पहुंच रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ऐसी एक विचारधारा की फाउंडेशन जिसकी नींव रखी थी, जो आज विपक्ष से यात्रा विकल्प तक हम बिशप के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में केवल 2 सीटें थी, आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। और विश्व की इस सबसे बड़ी पार्टी में हम सभी कार्यकर्ताओं को ये गर्व महसूस होता है कि हम विश्व की इतनी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके हाथों में देश सुरक्षित है, और हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के हित में बनाई है और गरीबों तक पहुंच रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना देश में एक ऐसी सरकार का था जो कि एक संगठनात्मक सरकार हो और उस संगठन में हर एक उस व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके, जो कि एक गरीब व्यक्ति है वहां तक वो किसान है, और उन्हीं के पदचिन्हों पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कोई भी आप किसी प्रकार का भी कार्य लो, चाहे वो किसानों के हित की बात है, चाहे वो देश की सुरक्षा की बात है। जिला चंबा में 619 बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई, और जो सभी बूथ पर ये शपथ ली गई कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा जो विचार हैं उन विचारों के तहत, और जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश सरकार के जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उन्हें हम गांव-गांव तक लेके जा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है वो गरीब ना रहे, और सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है लोगों तक पहुंच सके।